नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको झारखंड की बहुत ही खास, बहुत ही फेमस रेसिपी धुसका बनाना सिखाएंगे। इस बरसात के मौसम में आप धुसका एक बार जरूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज धुसका बनाते हैं। धुसका बनाने के लिए मैंने 2 गिलास चावल लिया है, इसी गिलास से नाप कर 2 गिलास चावल लिया है और 1 गिलास दाल, चने का दाल, और 1/2 गिलास धोई उड़द का दाल, 2 हरी मिर्च, 4-5 कली लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक, हल्दी, नमक, जीरा और हींग। तो चलिए धुसका बनाते हैं। अब सबसे पहले दाल, चावल और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। दाल, चावल, अदरक, लहसुन और मिर्ची को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे। तो अब डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद ही धुसका बनाएंगे ताकि धुसका फुला फुला बने। अब जब तक चावल दाल का बैटर फूल रहा है तब तक हम धुसका के साथ खाने के लिए सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कुकर चढ़ाया है, उसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च और डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब डाल देंगे 1 टमाटर कटा हुआ, इसको मिला लेंगे प्याज के साथ और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ताकि टमाटर अब जल्दी से गल जाए। टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। सारे मसालों को मिला लेंगे अच्छे से। अब हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ आलू और आलू को भी अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे और 2-3 मिनट इसको भून लेंगे। आलू को मसालों के साथ भून लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और पानी को मिला देंगे अच्छे से। मिलाने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी आने तक इस सब्जी को पकने देंगे। अब 1 घंटा हो गया है, इस बैटर को एक बार फिर से ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब धुसका बनाएंगे। धुसका को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, अब हम उसमें डालेंगे ये धुसका का बैटर। ऐसे एक जगह गिराएंगे और उसके ऊपर ऐसे तेल डालेंगे। और दूसरा बैटर फिर से भुस्सा छानने के लिए डालेंगे। आप देख सकते हैं धुसका और टमाटर आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।